वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में किरचॉप्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल ये टॉपिक का 16th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम आपके सामने है, ये जो है काफी कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर नहीं पाते, वो क्यों, उसका रीजन क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम यहाँ पहले पढ़ लेंगे। एक यहाँ पे सर्किट दिया है और यहाँ पे लिखा है अप्लाई केवीएल एंड फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ये सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस है सभी में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग केवीएल, इट मींस बाय यूजिंग किरचॉप्स वोल्टेज लॉ यानी ही बाय मेश एनालिसिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे, लेकिन ये प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाता है। वैसे बताना चाहेंगे ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले दो बार एग्जाम में आ चुका है। देखो समर 13 ईयर लिखा है हमने फॉर 5 मार्क्स, एंड नेक्स्ट टाइम ये एग्जाम में आया था इन द ईयर विंटर 19 फॉर 6 मार्क्स। तो ये प्रॉब्लम में कंफ्यूजन क्या होता है पहले वो समझ लो। ये प्रॉब्लम में सबसे मेन कंफ्यूजन होता है, ये देखिए ये जो यहां पे लिंक यहां पे है, यहां से लेके यहां तक लिंक है, यहां से लेके यहां तक लिंक है, और यहां पे कनेक्टेड नहीं है, यहां पे जंपर है, ठीक है ना, यहां पे दिया हुआ है। इसका मतलब जो है ये इसी के वजह से कंफ्यूजन होता है, और इसके बाद जो हमें सर्किट को रीड्रॉ करना होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वही पे गलती होती है और प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। ये प्रॉब्लम सबसे आसान प्रॉब्लम है, लेकिन ये आसान तब होगा जब यहां पे आप सर्किट को सक्सेसफुली रीड्रॉ कर लोगे। अगर आपको सर्किट को रीड्रॉ करना नहीं आएगा तो फिर ये प्रॉब्लम जो है आपसे कभी भी सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको बिल्कुल सही तरीके से रीड्रॉ करना आपको समझना है, ठीक है। अब ये किस तरह से रीड्रॉ होगा, देखो यहां पे क्या दिया है, एक सिंगल लूप आपको दिख रहा है बाहर से ऐसे, और अंदर में ऐसी दो लिंक दी है जो कि यहां पे जंपर दिया है, इट मींस वो नॉट कनेक्टेड का साइन होता है, ठीक है। तो ये सर्किट दिया है और यहां पे तीनों रेजिस्टेंसेस 8 ओहम, 6 ओहम, 12 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए हमने आपको कहा था कि इसको हमें रीड्रॉ करना है। तो चलो ये सर्किट जो है सबसे पहले आपको अगर रीड्रॉ करना है इसको हम यहां पे साइड में ले लेंगे, फिर हम आपको रीड्रॉ करा के बताएंगे। एक बार आपको रीड्रॉ समझ में आ गया ना तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान है, बस आपको रीड्रॉ करना समझना है। तो ये हम यहां लिख लेंगे रीड्रॉ द गिवन सर्किट। देखो गिवन जो सर्किट दिया है इसको हमें रीड्रॉ करना है। तो देखो रीड्रॉ करने के लिए हमने जो सर्किट दिया हुआ था इसको हमने यहाँ पे ले लिया है, और अब देखो ये किस तरह से रीड्रॉ होगा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, और कंफ्यूजन जो होता है जो चीज के वजह से कंफ्यूजन हो रहा है वही चीज को यहां से निकाल दो, ठीक है ना। कंफ्यूजन क्यों होता है, ओनली बिकॉज ये जो यहां पे नॉट कनेक्टेड वाली जो दो लिंक है जो कि यहां पे जंपर के थ्रू दिया है उसमें से जो है एक लिंक को बाहर निकाल दो, ठीक है। कौन सा लिंक बाहर निकालना है ये चॉइस आपकी है। तो हम एक काम कर लेंगे, ये जो लिंक है अंदर की ये लिंक को हमने बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये जो जंपर है, अब ये जो जंपर है ये जंपर को यहां से निकाल देंगे, जंपर का कोई काम नहीं है, और ये जो लिंक है ये ऐसी डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे। तो लिंक हमने डायरेक्टली यहां पे ज्वाइन कर लिए हैं, और यहां पे जो है हम यहां पे कहेंगे ये है पॉइंट ए, ठीक है, इसको हम कहेंगे पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, और इसको हम ले लेंगे पॉइंट डी, ठीक है। और अब जो हमने जो लिंक बाहर निकाले हैं, ये जो लिंक थी ये कहां से कहां ज्वाइन थी, तो ये जो लिंक थी ये लिंक जो है वो ए टू डी ऐसी ज्वाइन थी, है ना, ए टू डी है ना, ये लिंक जो है वो A टू D थी, A से लेके D तक थी। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो लिंक A से D ऐसे अंदर में थी, है ना, ऐसे वो अंदर में थी, तो हम एक काम करेंगे कि ये जो लिंक है वो अंदर के बजाय हम इसको बाहर से ज्वाइन कर लेंगे। जब आप बाहर से ज्वाइन कर लेंगे तो ये कुछ अलग तरह से शो होगा, तो चलो वो हम यहां शो करेंगे। तो ये देखिए ये लिंक हमने ऐसा बाहर से ज्वाइन कर दिए, जो लिंक ए टू डी ऐसे अंदर में थी वो लिंक हमने ए टू डी ऐसे बाहर से ज्वाइन कर दिए। क्या रीड्रॉ पूरा हुआ, नहीं, इसको एक और बार रीड्रॉ करना पड़ेगा। 2 से 3 बार रीड्रॉ करने के बाद ये सॉल्व होगा, तब जाके हम यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करके सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, वो आपको आता है। आपको कोई भी लूप में केवीएल अप्लाई करना आता है, करंट आराम से आप फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन उसके लिए आप पहले सर्किट तैयार करो, रीड्रॉ करो। अभी भी यहां पे आप प्रॉपरली केवीएल अप्लाई कर नहीं पाओगे, इसको एक और तरीके से रीड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें हमें अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे 8, 6, 12 ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस है ये तीनों एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर है।
ये तीनों के तीनों पैरेलल टू ईच अदर है, तो आपको इस तरह से रीड्रॉ करना है कि तीनों पैरेलल ही हो जाए। तो चलो हम यहाँ पे रीड्रॉ कर लेंगे एक और बार। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सर्किट रीड्रॉ कर लिया है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है इसके बाद का ये जो रीड्रॉ स्टेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे ये किस तरह से रीड्रॉ हुआ है। ए बी सी डी का प्लेस ये था तो यहाँ पे सडनली चेंज होके ए डी बी सी आ गया, किस तरह से हुआ। तो देखो ये रीड्रॉ समझना जरूरी है। देखो आपको रफली यहाँ पे बता देते हैं, हम यहाँ पे फेयरली डायग्राम ड्रॉ किए हैं, रफली आपको बता रहे कि ये किस तरह से रीड्रॉ हुआ। देखो ये जो बाहर का स्टेज है ये 24 है, ये एज इट इज है, ठीक है। यहां पे जो है ये देखो यहां पे लगा है 8 ओम, ठीक है। यहां पे ए है, यहां ए के बाद यहां पे क्या है, इधर है बी। तो आपको क्या करना है, ये जो ए बी है जो ऐसा हॉरिजॉन्टल है, आपको क्या करना है, ये ए बी को ऐसा वर्टिकल करना है, ठीक है ना। ए बी को ऐसा वर्टिकल करना है, मतलब ए वही रहेगा, बी जो है वो नीचे आ जाएगा। बी जब नीचे आ जाएगा तो ये जो पार्ट है, तो ये देखिए ये जो बी है ये ऐसा नीचे करना है ऐसे, ये देखो यहां पे ऐसा आ जाएगा। तो हमने यहां बी नीचे दे दिए, यहां पे ए टो हम ऐसा आ गया, ठीक है ना। मतलब ये जो बी है ये सी को मिल गया, क्या हुआ, बी जो है वो सी को मिल गया। मतलब यहां पे जहां सी था वहां पे अब बी आ गया। सी और बी जो है, ये जो सी और बी का एक जो लिंक है ना, ये लिंक को हमने ज्वाइन यहां पे किए और ज्वाइन करके यहां पे एक पॉइंट पे आ गया सी और बी, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये जो 12 ओम है तो सी और डी के बीच में है और सी डी ऐसा ऐसा यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, तो हमें क्या करना है, ये सी डी को वर्टिकल करना है। ये सी डी को वर्टिकल करते समय डी जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। देखो सी इधर है, डी इधर है, डी जब ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये इस तरह से, ये देखिए डी ऊपर गया सी नीचे आया, और यहाँ पे ये ज्वाइन कर लो ऐसा, ये देखो ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे जो हमने बी और सी दो पॉइंट है लिखे, ये दो में से एक पॉइंट को यहाँ से निकाल दो, क्योंकि ये जो लिंक है ये पूरी शॉर्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी लिखो या यहाँ पे सी लिखो या यहाँ पे सी लिखो, एक ही बात है, ए बी हो गया और सी डी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बी को हमने नीचे लाए और यहाँ पे हमने डी को ऊपर लेके गए, और अब बचा है 6 ओम। अब चेक करो कि 6 ओम कहां से कहां लगा है। 6 ओम जो है वो यहां पे बी से डी के बीच में है, देखो ऊपर बी है नीचे डी है, बी और डी के बीच में 6 ओम है। तो अब यहां पे कहां पे लगाओगे आप, ये देखो इधर बी है उधर डी है, देखो यहां पे बी है और यहां पे डी है। आप चाहे तो ऐसे ज्वाइन करो, ये देखो ये हो गया 6 ओम, ऐसे देखो बी और डी के बीच में 6 ओम। अब आप कहोगे कि सर ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि ये ऐसा इंक्लाइन हो गया, डायगोनली हो गया। तो एक काम कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से जॉइंट हो, आप इसको दूसरे तरह से भी ड्रॉ करोगे तो भी चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहां पे पॉइंट डी है तो आपको यही पे ज्वाइन करना चाहिए, यहां पे डी ले लो, ठीक है। और यहां पे बी है, मतलब जरूरी नहीं कि यही पे ज्वाइन करना, आप यहां पे बी ले लो। तो ये देखो यहां पे बी ले लिए, यहां डी ले लिए, और हमें जो 6 ओम है वो बी और डी के बीच में ज्वाइन करना है। तो चलो हम जो है यहां से इसको हटा देते हैं, ये देखो ये जो है हम इसको यहां से हटा देते हैं, देखो इसको हमने यहां से हटा दिए, और बीडी के बीच में ज्वाइन करना है तो देखो हम यहां पे ज्वाइन कर देंगे। देखो इनडायरेक्टली यहां पे ये है 6 ओम, ठीक है। यहां ऑलरेडी डी है तो आपको ये देखो बी और डी के बीच में हमने ज्वाइन कर दिए, ये बी को यहां से इरेज कर लो, डी को यहां से इरेज कर लो, तो ये देखो ये सर्किट वही बना जो हमने उधर बनाया है, ठीक है, आया बराबर। तो इस तरह से ये रीड्रॉ हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम में कंफ्यूजन, फिर से हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है ओनली बिकॉज ये देखो नॉट कनेक्टेड वाला यहाँ पे जो ब्रांचेस है, ये जो जंपर दिया है इसके वजह से, और केवीएल अप्लाई करते समय यहाँ दिक्कत होती है। केवीएल अप्लाई करना यहाँ बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है यहाँ केवीएल अप्लाई करना। देखो ये स्टेज बन गया, अब इसमें और कुछ भी रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्टली यहाँ केवीएल अप्लाई करो, आराम से जो है आपको हर रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा, बिल्कुल कन्फर्मली मिल जाएगा। बस आपको यही समझना था कि ये सर्किट देखो यहाँ से ये किस तरह से बना, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से ये जो स्टेज बना है ये किस तरह से बना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो ये वाली स्टेज समझ में आती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये स्टेज समझ में आती है, लेकिन ये स्टेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि किस तरह से ये बी और सी और डी और ए का प्लेस चेंज करना, ए बी सी डी ये किस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसे जगह पे कंफ्यूजन होता है, और फिर ये जो इजी प्रॉब्लम है ये डिफिकल्ट हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने प्लेसमेंट आपको जो बताया है, ए बी सी डी का प्लेस चेंज करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वगैरह, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अभी भी अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, पीछे करो, और ये जो स्टेज अभी हमने यहाँ पे बताए थे फिर से उसको समझ लो, फिर से देख लो, आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। हमने क्या किए, ए बी
को वर्टिकल किए, सीडी को वर्टिकल किए, ठीक है, बी को नीचे लाए और डी को ऊपर ले गए, बस ये चीज आप बस ध्यान में रखो, तो इस तरह का प्रॉब्लम आप एग्जाम में सॉल्व कर लोगे, समझे। तो चलो फाइनली जो मेन रीड्रॉ वाला जो काम था ये पूरा हो चुका है और अब बस हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना आसान है तो हमने चलो अब सॉल्व करना है। क्वेश्चन दो बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड क्या लिखा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। यहां पे जितने भी रेजिस्टेंसेस है सभी में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है, 8 ohm, 6 ohm, 12 ohm। तो चलो अब हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे, यहां पे ये स्टेज में सॉल्व करना है। तो सॉल्व अगर करना है, आप कहेंगे कि सर यहां पे तीन लूप है, ठीक है ना, लूप वन, लूप टू, लूप थ्री, तो तीन लूप है तो तीन बार केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, तीन लूप है, तीन बार हमें केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा तो ही आपको करंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये देखो, ये जो 8 ओहम है, 8 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हम इसको ले लेंगे आई वन, ठीक है, 6 ओहम में से फ्लो होने वाला जो रहेगा उसको हम ले लेंगे एज आई टू, एंड 12 ओहम में से फ्लो होने वाला जो करंट है इसको हम ले लेंगे एज आई थ्री। हमें बस ये आई वन, आई टू, आई थ्री फाइंड आउट करना है तो प्रॉब्लम पूरा हो जाएगा। और अब हम यहां पे केवीएल अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा था कि यहां तीन लूप में तीन बार केवीएल अप्लाई करना है, लेकिन यहां पे हम सुपर लूप का यूज करेंगे। अगर आप सुपर लूप से सॉल्व कर लोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। सुपर लूप बोलो या सुपर मेश बोलो, किस तरह से यूज होता है देखो सुपर लूप या सुपर मेश में केवीएल, तो वो समझना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले पॉइंट्स दे देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे ए बी सी डी तो ऑलरेडी है, तो हम यहां पे ले लेंगे ए बी सी डी हो गया, यहां पे ई दे देंगे, यहां एफ, यहां जी और यहां पे एच, ठीक है, ऐसे हमने पॉइंट्स दे दिए। और अब देखो यहां पे हमें लूप कंसिडर यहां पे कर लेना है, तो किस तरह से लूप लेंगे देखो, अप्लाई केवीएल, समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाई केवीएल इन लूप, देखो लूप का नाम हम यहां पे देंगे दैट इज एच ए बी जी, ये लूप में हमें यहां पे केवीएल अप्लाई करना है। एच ए बी जी नाम के लूप में केवीएल अप्लाई करो, कौन सा है, एच ए बी जी, देखो ये है एच ए बी जी नाम का ये जो लूप है इसमें केवीएल अप्लाई करो। और ऐसे में यहां पे सबसे पहले करंट जो है, करंट का डायरेक्शन ये लूप में ले लेंगे। तो ये देखो, ये हमने यहां करंट का डायरेक्शन ले लिए इस तरह से, ये करंट ये रहेगा, इसको हम कहेंगे आई वन, ठीक है ना, ये लूप में केवीएल अप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आई वन मिल जाएगा। तो चलो यहां पे अप्लाई करेंगे, तो ये इधर के लूप आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ पहला लूप ले लेना है। हम यहां पे सुपर लूप या फिर बोलो सुपर मेश का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे 24 वोल्ट जो है, तो प्लस माइनस, ये ऊपर प्लस है, ये है माइनस, ठीक है, तो करंट माइनस की तरफ से एंटर कर रहा है, तो जो है वोल्टेज सोर्स का वैल्यू माइनस मिलेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे माइनस 24, ठीक है, और ये लूप में एक और एलिमेंट है 8 ओहम, और 8 ओहम में से फ्लो हो रहा है I1, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस 24 प्लस 8 इंटू आई वन इक्वल टू 0। तो हमने पहले लूप में केवीएल अप्लाई किए, जो हमने कहा था एच ए बी जी नाम के लूप में केवीएल अप्लाई किए, यहां पे I1 मिल जाएगा। तो I1 क्या होगा, देखो माइनस 24 है, 24 को उधर शिफ्ट करो, तो जब आप 24 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस 24 हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 8 ऑफ I1 इक्वल टू 24, और अब 24 को 8 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा I1 का वैल्यू। सो फाइनली I1 मिल गया, समझ लो I1 आ गया 3 एम्पियर। तो करंट I1 पहले रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हो गया 3 एम्पियर, I1 मिल गया, ठीक है, ओके। और अब चलो सुपर लूप एक और यहां पे ले लेंगे, तो यहां पे हमें स्टेटमेंट में लिखना है अगेन अप्लाई केवीएल इन लूप। अब देखो कौन से लूप में अप्लाई कर लेंगे, इन लूप एच ई एफ बी, देखो ये लूप में कंसिडर करना है, एच ई एफ बी नाम का लूप है, कौन सा है लूप, देखो एच ई एफ बी, देखो ये जो लूप है ये सुपर लूप है, सुपर मेश है, इसमें केवीएल अप्लाई करो। इसमें भी दो एलिमेंट है, एक है 24 और एक है 6, ठीक है, इसमें केवीएल अप्लाई कर लेंगे तो करंट का जो डायरेक्शन है वो हम यहां ले लेंगे। तो देखो ये करंट का डायरेक्शन हम इसको ऐसा लेंगे, देखो इस तरह से, ये ऐसा, ठीक है ना, ये रहेगा आई टू, और यहां से आपको मिल जाएगा I2, ठीक है, H
ई एफ बी नाम के लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, इसमें 24 और 6 है और 24 में जो करंट है ये माइनस साइज से एंटर कर रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, यहाँ पे अगेन माइनस ऑफ 24, देन ये लूप में इधर का एलिमेंट है 6, तो प्लस 6 ऑफ आई टू इक्वल टू 0, बस इसको सॉल्व करो तो आई टू का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 ऑफ आई टू इक्वल टू 24, ठीक है ना। सो फाइनली आई टू का वैल्यू मिल जाएगा ये कितना 4 एम्पियर। तो फाइनली हमें आई टू मिल गया, करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम ये मिल चुका है, ठीक है, सेकंड करंट मिल गया। और अब लास्ट वो है आई थ्री। तो अगर आपको आई थ्री फाइंड आउट करना है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा केवीएल कौन से लूप में। देखो हम लास्ट वाला लूप लेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप। अब देखो लूप का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे एच डी सी जी, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एच डी सी जी, ये नाम के लूप में केवीएल अप्लाई करो, ठीक है। तो देखो ये लूप में केवीएल अप्लाई करना है, करंट का डायरेक्शन हम यहाँ लेंगे, देखो ये बाहर का लूप सबसे आखिरी वाला जो लूप है ना वो लूप, ठीक है, ये करंट को हम नाम दे देंगे आई थ्री, ठीक है, पूरा लूप जो है ना पूरा ये जो बाहर का है ना ऐसा, ये पूरा ये इतना बड़ा लूप, ठीक है। लेकिन ये लूप में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, इधर है 24 और इधर है 12, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो 24 में से फिर से करंट माइनस साइड से एंटर कर रहा है, तो 24 का वैल्यू माइनस में, माइनस 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 24 प्लस 12 ऑफ आई थ्री इक्वल टू 0, ठीक है, ये 12 है, 12 में से फ्लो हो रहा है आई थ्री, 8 में से फ्लो हो रहा था आई वन इसलिए 8i1, 6 में से फ्लो हो रहा था आई टू इसलिए 6i2, 12 में से फ्लो हो रहा है आई थ्री तो 12i3, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे मिल जाएगा 12 ऑफ आई थ्री इक्वल टू 24, ठीक है ना, बस 24 को 12 से डिवाइड करो तो आपको आई थ्री का वैल्यू मिल जाएगा, आई थ्री का वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर। सो फाइनली इस तरह से हमने यहाँ पे आई थ्री भी फाइंड आउट कर लिए, यानी क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, तो तीनों रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया जो कि आया है 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, और इस तरह से प्रॉब्लम ये पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे स्टार दे देते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी तक 2 बार एग्जाम में आ चुका है। और ये प्रॉब्लम मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम क्यों है आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें सर्किट को 3 बार रीड्रॉ करना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टेज तैयार करना, ये स्टेज तैयार करना जो स्टूडेंट को आ गया वो स्टूडेंट आसानी से इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये था केवीएल ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 16। इसके पहले जो हमने इसके 15 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।